बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। मेरे सिर पर रख दो धनी जी अपने ये दोनों हाथ, हो मेरे सिर पर रख दो पिया जी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए धनी परम धाम का साथ, देना हो तो दीजिए धनी परम धाम का साथ, हो मेरे सिर पर रख दो धनी जी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए धनी परम धाम का साथ, देना हो तो दीजिए पिया परम धाम का साथ, देने वाले धाम धनी तो अन्न धन दौलत क्या मांगे, देने वाले प्राण पिया तो अन्न धन दौलत क्या मांगे, धाम धनी से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, धाम धनी से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। ओ मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए धनी परम धाम का साथ, देना हो तो दीजिए पिया परम धाम का साथ। मेरे सिर पर रख दो धनी जी, ओ मेरे सिर पर रख दो धनी जी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए पिया परम धाम का साथ, देना हो तो दीजिए पिया परम धाम का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की धनी जी नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की पिया जी नाम इज्जत से महंगी है। ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है करूँ सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए पिया परम धाम का साथ, देना हो तो दीजिए धनी परम धाम का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तू, बिन मांझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन मांझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। हो मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए धनी परम धाम का साथ, देना हो तो दीजिए पिया परम धाम का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो धनी जी, मेरे सिर पर रख दो पिया जी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए पिया परम धाम का साथ। सुना है तेरे शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है तेरे शरणागत
रात को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा फिर देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ओ चाहे जैसे रखो पिया जी, चाहे जैसे रखो पिया जी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए पिया परम धाम का साथ, देना हो तो दीजिए धनी परम धाम का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो धनी जी, मेरे सिर पर रख दो पिया जी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए पिया परम धाम का साथ, देना हो तो दीजिए धनी परम धाम का साथ। अरे देना हो तो दीजिए पिया परम धाम का साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी श्रद्धा सुमन और धर्मनिष्ठ सुंदर सांझ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर सांझ जी, ये सत का मार्ग है और जिस सत के मार्ग अथवा बेहद के मार्ग के ऊपर सब कोई कदम रख करके चल नहीं पाते, क्योंकि ये नाम प्रतिष्ठा आदि से दूर, इन सब से अलग, धन दौलत करामात आदि से अलग, केवल सत और प्रेम का निष्ठा का मार्ग है। और ऐसे मार्ग के ऊपर जो कोई चल पाए वे ही उस परम धाम को पहुंच पाएंगे। इसीलिए आज के इस वाणी चर्चा सत्र के अंदर हम चर्चा करते हैं महामति श्री प्राणना जी के श्री किरंतन ग्रंथ के 20वें प्रकरण की ऊपर। साधु या जुग की ए बुध, महामति श्री प्राणना जी जो कि इस प्रकरण के अंदर हम आपको समझाते हैं, नसीहत देते हैं कि हे साधक आत्माओं, इस कलिकाल के ग्रस्त जिनकी बुद्धि हुई वो धर्म मार्ग में आने के पश्चात भी क्या चाहते हैं? क्या सत को चाहते हैं? क्या प्रेम और भक्ति को चाहते हैं? या फिर अपने इष्ट के पास से अन्य कुछ मांग रहे हैं? क्या चाहते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार? तो इस प्रकार से श्री प्राणना जी निर्देश करते हुए हम आपको समझा रहे हैं कि सत मार्ग के ऊपर आने के बाद आपको अपने धनी से क्या मांगना है। जैसा हमने अभी भजन के माध्यम से सुना कि ऐसे धनी के पास में आकर के नाम, इज्जत, बड़ाई, प्रतिष्ठा की अगर मांग करते हैं तो हमारे जैसा मूर्ख नहीं होगा कोई। लेकिन धनी से अगर हमने उनके चरणों की धूली और चरणों की सेवा को मांगा तो वही हमारी सच्ची भक्ति होगी। तो आइए सुंदर सांझ जी, हम श्री प्राणना जी के इन दिव्य उद्बोधनों को श्रवण करते हैं और आज के चर्चा सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागु दो चरण को, धनिये न छोड़ायो क्षिणा, लाक तले लाले मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु
पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के एही जीवना मेरे जीव के एही जीवना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल जी महाराज के पावन चरणों में अखंड दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए समस्त सुंदर साज जी को प्रेम प्रणाम। आइए सुंदर साज जी श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण नंबर 20 की हम चर्चा को श्रवण करते हैं। अब तो कछुए न देखत मद में पर ए मद है पल मात्र महामत दीवाने को कहियो न माने सो पीछे करसी पछतापा सो पीछे करसी पछतापा। साधु या जुग की ए बुध दुनिया मोह मद की छाकी चली जात बेसुध। महामति श्री प्राणनाथ जी इस दुनिया के लोगों की बुद्धि को और विशेष करके कलिकाल के बीच लोगों की बुद्धि के विषय में इस वाणी के अंदर बता रहे हैं कि किस प्रकार से दुनिया के लोग मोह यानी कि अटैचमेंट जो होता है एक दूसरे के प्रति अथवा किसी धन आदि वैभव आदि वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति का भाव जुड़ा होता है और इन तमाम वस्तुओं को हासिल करने पर जैसे धन मद यौवन मद इस प्रकार के कईयों मद होते हैं मस्ती होती है और इन मद के अंदर जिनकी अक्ल बुद्धि बिल्कुल मती हुई है उन्मत्त हुई है उनके ऊपर महामति श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर कहते हैं हे साधक आत्माओं हे मेरे श्रोताओं इस कलिजुग के अंदर वैसे ही धर्म तो क्षीण होते जा रहा है अधर्म की वृद्धि होते जा रही है और ऐसे कलिकाल के बीच एक दो नहीं हार कतार ऊंट कतार चींटी हार के समान एक के पीछे एक कलयुग की जो जनता है वो सब कोई इसी मोह माया और मद के अंदर उन्मत्त हुए हैं छक गए हैं। ऐसे नशे के अंदर वो चकनाचूर है कि सत क्या है इसके विषय की पहचान करने को वो तैयारी नहीं है। They are not receptive to the supreme truth. उनको चाहे कितनी भी बार आप ललकारे कितनी भी बार चाहे उनको पुकारे किंतु उनकी अक्ल बुद्धि संसारी पदार्थों से ऊपर उठना चाहे तब तो वो समझ पाएंगे। यही के सुख दुख राजी खुशी और गम के अंदर जिनके मन बुद्धि अटके पड़े हैं वो कैसे उस परम सत्य की बात को सुन भी पाएंगे। उस मार्ग के ऊपर चलना तो और कठिन है। इसीलिए श्री जी कह रहे हैं कि चली जात बेसुध यहाँ के मायावी लोगों की अक्ल बुद्धि ऐसे शून्य हो चुकी है ऐसे बेसुध हो चुकी है कि इस अक्ल बुद्धि को उस परम सत्य की गम पड़ती नहीं तो कैसे वे इस मार्ग पर चल पाएंगे। जैसे हमने कुछ एक दिनों पहले चर्चा में श्रवण किया सुनने हृदय नहीं संभार कि जब हृदय ही शून्य हो जाता है तो उसके अंदर स्मरण शक्ति नहीं रहती कि परम सत्य की हम पहचान करें इस प्रकार की अक्ल बुद्धि नहीं आती है। इसी तरह सब कोई बेशुद्ध हो करके अनकॉन्शियसली बिना जाने माया के मद में छके हुए हैं। दुनी दुनी पे चाहे दुनिया और क्या चाहते हैं ये दुनी है यानी कि दुनिया के अंदर उत्पन्न हुए जो कई सारे जीव सृष्टियां हैं दुनिया के लोग जिनको कहा गया है ये
दुनी पे इस संसार के बीच में चाहें ऐसा चाहते कि हमें दुनिया मिल जाए, दुनिया के अनंत पदार्थ हमको मिल जाएं, ताकि हम हमेशा सुखी रहें, हमारे अंदर बल की शक्ति की वृद्धि होती रहे, हमारा घर परिवार और संसार हमेशा खुश रहे। इस प्रकार से सोचते हुए ये दुनिया की मत के अनुसार वो केवल इतना ही चाहते हैं कि हमें दुनिया के पदार्थ मिले। सोचिए ना कि आप किसी हीरे की खान में जाते हैं, वहां पर हीरे मिलने वाले हैं, हीरे मिलने की संभावना है, परंतु वहां जाकर के भी अगर आप कोई तुच्छ कांच को ढूंढ रहे हैं तो गलती किसकी है, ढूंढने में कमी किसकी है? जो ढूंढने की आवश्यकता है उसे नहीं ढूंढते, किंतु हीरे की खान में बैठ करके कांच के टुकड़े की तलाश अगर हम करते हैं तो ये हमारी समझ शक्ति की कमी है। इसीलिए धनी कहते हैं कि जिस भोम से अखंड मुक्ति की प्राप्ति होगी, अखंड सचिदानंद सुख की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे इस मृत्युलोक रूपी कर्म भूमि में आकर के यहाँ के लोग इस कलिकाल के बुद्धि के ग्रस्त होकर के केवल गाड़ी बंगला घर परिवार इतनी ही सोच रखते हैं। हालांकि इस भोम से तो उनको इससे कई गुना सुख कई गुना आनंद मिलने वाला है, परंतु उस आनंद उस सुख को छोड़कर न समझते हुए वे चाहते हैं कि दुनिया के पदार्थ हमें मिल जाएं। जैसे हम परब्रह्म के सामने सिर तो नमाते हैं, परंतु मांगते हैं क्या कि हमें यहाँ की एग्जाम से पार करा दें, कि हमें कुछ धन दौलत प्रदान कर दें। ठीक है, जीवन का गुजारा करने के लिए आशीर्वाद चाहिए, किंतु यही मात्र नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि अखंड मुक्ति के लिए हमको क्या करना है, उसकी हम खोज करें, उसके लिए हम धनी को पुकार करें, उसके लिए हम मेहनत करें। किंतु यहाँ दुनिया की जो अक्ल बुद्धि है वो दुनिया के ही पदार्थ को मांग कर सीमित रह जाती है, अखंड धन को मांग नहीं सकती। ताथे इसी वास्ते करामात ढूंढे, श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, क्योंकि जाहिरी विषय वस्तुओं के अंदर ही इतना रस आ रहा है कि फिर इसी वस्तु को मांग रहे हैं, और ये वस्तु सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिलेगी? करामात से मिलती है, चमत्कारों से मिलती है। कई प्रकार के जादूगर, कई प्रकार के ऐसे सिद्ध पुरुष मिल जाते हैं जिनके पास में अष्ट सिद्धियां होती है। इन सिद्धियों के माध्यम से वो पंचीकरण का उपयोग करके जिस किसी भी वस्तु को यहाँ पर प्रकट करना चाहें वो प्रकट करके अपने शिष्यों को दे सकते हैं, अनुयायियों को दे सकते हैं। और इसीलिए लोग इसी करामात को ढूंढते हैं, क्योंकि जीवन तो अच्छे से गुजरेगा। पीछे दो बराबर संगी, किंतु महामति श्री प्राणनाथ जी इस तारतम ज्ञान के दृष्टिकोण के द्वारा कहते हैं, जीवन तो बीत गया, चलो अच्छे से भी बीता होगा, यहाँ की सारी सुख सुविधाओं से बीता होगा, किंतु जीवन के उपरांत क्या, जीवन के उपरांत क्या मांगा, क्या पाया, क्या मेहनत हमने की? अगर केवल जीवन जीने के पदार्थ ही हम मांगते रहे तो उसके पश्चात अखंड मुक्ति की तरफ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। वह साधना वह तपस के जिसके द्वारा धनी चरण मिल जाएं, इसके लिए तो हमने मेहनत ही नहीं की। श्री प्राणनाथ जी इसीलिए कह रहे हैं कि एक बार जीवन के अंदर करामात के द्वारा धन मिलने लग जाए, वस्तुएं मिलने लग जाएं, तो दुनिया वहीं पे लाइन लगा करके जमा हो जाएंगे। किंतु जब जीवन पूर्ण हो जाता है तो जिन्होंने करामात की थी और जो अनुयायी बनकर उस करामात के द्वारा कुछ पा रहे थे, ये दोनों एक समान हो जाएंगे।
यानी मुक्ति से रहित हो जाएंगे। जिन्होंने करामात करके वो विषय वस्तुओं को प्रदान किया वो भी अखंड मुक्ति को पा नहीं सकेंगे, तो उनके अनुयायी भी तो खाली ही रह जाएंगे, उनके पास भी क्या आया। इसीलिए दुनिया जो है वो चमत्कार को नमस्कार करती है, परंतु महामती श्री प्राणनाथ जी जो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति से संपन्न है, सबविद्याजी समृद्ध दिल रूपी धाम में बैठे हुए हैं, वे चाहते तो कौन सी करामात करके नहीं दिखा सकते थे, किंतु कभी भी श्री प्राणनाथ जी ने श्री सदगुरु स्वरूप ने ऐसी कोई करामात कोई चमत्कार करके वहां दुनिया वाले लोगों को आकर्षित नहीं किया। उन्होंने केवल सत ज्ञान का मार्ग ही प्रकाशित किया कि जो कोई भी उस सत मार्ग पर चलने के लिए काबिल आत्माएं हो वे आत्माएं आकर के इस ज्ञान को ग्रहण करे, चित्त शुद्धि करते हुए उस सत अखंड सुख को प्राप्त करें। शक्ति में तो श्री प्राणनाथ जी या सतगुरु में भी कोई कमी नहीं है, वे चाहते तो ऐसे अनेकानेक चमत्कार करते हुए दुनिया वालों को जमा कर सकते थे, परंतु उन्होंने तारतम ज्ञान को आगे लगाया। इसके बिना उन्होंने कोई भी चमत्कार इत्यादि के द्वारा लोगों को आकर्षित नहीं किया। इस वाणी के महात्म्य को बता करके दिल को कैसे हम इसके द्वारा निर्मल बनाएं? ये मार्ग हमको बताया, न कि अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए करामात दिखाकर लोगों को खींचा आकर्षित किया। इसीलिए श्री जी कह रहे हैं कि जब कोई करामात के माध्यम से दुनिया के लोगों को आकर्षित तो कर लेता है, किंतु पीछे जाकर जीवन समाप्त होने के उपरांत ये दोनों एक समान खाली ही हो जाते हैं, किसी के पास अखंड मुक्ति नहीं रहती और जीवन के उपरांत जीवन जीने की वस्तुओं का भी कोई स्थान कोई महत्व नहीं रह जाता है। तब दे शिक्षा और मुड़े, और फिर तब जाकर के खोखली शिक्षा के द्वारा सिर का मुंडन करते हुए केवल देखने भर के मात्र के लिए ही गुरु शिष्य के रूप में तो चलते हैं, किंतु जिस अखंड वस्तु को पाना चाहिए था उस अखंड वस्तु को पाने की जगह में आकर के वो खाली के खाली रह जाते हैं। साधु कहर कही करामात, इसीलिए महामती श्री प्राणनाथ जी आगाह करते हैं कि हे साधक आत्माओं, इस करामात को इस चमत्कार को कि किसी प्रकार से हम भौतिक वस्तुएं बटोर तो लेते हैं किसी मंत्र के आधार पर, किसी जादू टोने के आधार पर, किसी रसायन विद्या आदि के आधार पर, किंतु ये सब कुछ जो करामात से हासिल होता है, सिद्धियों से जो प्राप्त होता है, उसको कहर कहा हुआ है। यानी कि जिसके द्वारा हम अवश्य अपना मार्ग भटक जाएंगे, हमें चाहिए कि अखंड सुख के मार्ग पर चलें, चाहे यहाँ हमको दुख का सामना ही क्यों न करना पड़े, परंतु यहाँ के दुख धाम के सुख प्रदान करने वाले होंगे। यहाँ पर की हुई कुछ मेहनत कुछ परिश्रम परम धाम के सुख को यदि प्राप्त कराता है तो हमें यहाँ के दुख उठाने में ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए, न कि यहाँ के सुख वैभव को भोगने के लिए, क्योंकि ये सुख और वैभव यहाँ के धन और संपत्ति अगर हमको मोह की तरफ खींच के ले जा रहे हैं तो अवश्य वे हमें धर्म मार्ग से दूर कर रहे हैं, पिया से दूर कर रहे हैं। इसीलिए श्री जी कहते हैं कि करामात तो कहर बरसाती है, इससे दूर ही रहें। ए दुनिया तितराचे, परंतु ना समझ दुनिया, दुनिया के लोग तित यानी उसी करामात के अंदर राचे, पूरी तरह से उसी में डूब जाते हैं, ओतप्रोत हो जाते हैं। दूध में मिश्री मिले जाए वे भी उसी के अंदर गुलमिल होकर के रात दिन बस यही चाहते हैं कि बिना कर्म बिना मेहनत
करामात के द्वारा कैसे मेरे धन में वृद्धि हो जाए, कैसे मैं अलग मंत्र इत्यादि को जपते हुए, किसी साधना को करते हुए भौतिक पदार्थों में वृद्धि करूं। अगर इस प्रकार की भावना को लेकर के करामात को चाहा, चमत्कार को चाहा, तो यही चमत्कार कहर के समान कहा गया है। झूठी दृष्टि जो बांधी झूठ सो, परंतु जो करामात चाहते हैं उनकी स्वयं की दृष्टि ही झूठ से भरी हुई है, तभी तो वे झूठ को चाहते हैं। जिसकी दृष्टि में सत अखंड सुख आ चुका हो, जिसने पिया के गुणों की महत्ता की पहचान कर ली हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसे साधक कभी भी उस झूठ के पीछे जाएंगे नहीं। वो 100 बार अपना जो रास्ता है बदल देंगे, परंतु झूठ में जाके सम्मिलित नहीं होंगे, दुख कष्ट झेलेंगे। इसीलिए जो पहले के युगों में सत्यवादी कहलाए, उन्होंने कईयों प्रकार के दुख कष्ट और साधनाएं झेली, परंतु कभी भी सत के मार्ग से अलग होके नहीं चले, क्योंकि जानते थे कि दुख भी 2 दिन के हैं, सुख भी 2 दिन के हैं, किंतु मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सत चाहिए, जो सत यहाँ के सुख और दुख दोनों से परे है। यहाँ के सुख दुख दोनों ही टेम्पररी है, वो सत सुख तो अखंड है। इसीलिए मैं चाहे सुख में रहूं दुख में रहूं, परंतु सत का मार्ग मुझे छोड़ना नहीं है। परंतु जो करामात के तले आ जाते हैं, उनके लिए करामात ही सब कुछ बन जाती है। और इसीलिए भौतिक वस्तुओं को बटोरने में चमत्कार से वे आकर्षित होकर के यहाँ के धन की वृद्धि को चाहते हैं। इस तरह से ताथे दिल न लगत क्यों आए साचे। अब ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे साधकों के लिए क्या उनका मन किसी भी प्रकार से सांचे में लगेगा, सत वस्तु को पाने में लगेगा? जो सुखार्थी हैं वो विद्या को परित्याग करते हैं, और जो विद्यार्थी हैं वो सुख को परित्याग करते हैं, क्योंकि उन्हें सुख दुख से परे अपनी विद्या और विद्या का जो सतमार्ग है, उस सतमार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है। इसीलिए मन को ऐसे मुकाबिल बनाना होगा, ये वाणी कह रही है, कि संसार के सुख दुख से विचलित न हो करके इस वाणी के मार्ग को अपना करके सत की ओर आगे बढ़े, किसी भी कीमत पर ये सत का मार्ग ना छूटे, ये हमको देखना है। कौन में कहां को कहां थे बिछुरियो, हे साधक आत्माओं, मैंने कल भी कहा था कि दिन में 1000 बार मैं करता हूं, मैं उठता हूं, बोलते तो रहते हो, किंतु इस मैं की तो पहचान करो, कौन मैं, कि मैं कौन हूं। कहां थे बिछुरियो, एक कोई भोम है जिस भोम से मैं बिछड़ चुका हूं, वह भोम कौन सी है, क्या मुझे उसकी पहचान नहीं करनी, क्या 84 के चक्र में जाने के बाद उसकी पहचान मैं कर पाऊंगा, कि फिर इस विवेचन बुद्धि युक्त मनुष्य देह के अंदर ही ये पहचान हो पाएगी? तो जब तक ये विचार हम इस मनुष्य देह की बुद्धि से नहीं कर पाते हैं, तब तक इस सत सुख से हम अवगत कैसे होंगे, परिचित कैसे हो पाएंगे? तो हे साधक आत्माओं, श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, बार बार पुकार करते हैं कि ये पहचानो मैं कौन हूं, किस भोम से मैं बिछड़ गया हूं, कौन भोम ए छल, और जिस भोम के ऊपर वर्तमान में मैं खड़ा हूं अथवा खड़ी हूं, ये भोम मुझको छल रही है, अखंड तक पहुंचने देना नहीं चाहती है, तो ये भोम कैसी छल युक्त भूम है, इसकी भी पहचान करनी होगी। लेकिन सबसे पहला प्रश्न अगर कोई पकड़ना है, सुलझाना है,
तो वो यही है कि मैं कौन। एक बार उस प्रश्न को पकड़ लिया और उसकी गहराइयों में जाने लगे तो एक के बाद एक प्रश्न सामने आएंगे और खुलस्त भी होते जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले को हम कश्यस्ति संसार, इसी से हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पैड़े। श्री प्राणनाथ जी उन गुरु और उन शिष्यों को कह रहे हैं कि आप अलग अलग पंथ यानी धर्म मार्ग और उसमें भी सब ब्रांचेस पेड़ों को खड़ा करके यहाँ पर ज्ञान को तो बहुत कथ रहे हो, अलग अलग नामधारी होकर के कईयो सन्यासी वेश धारण करके तुम चल रहे हो, परंतु हे साधकों एते न काहू अक्कल, मैं कौन हूं इसका परिचय पाए बिना ही पर ब्रह्म को ढूंढने चले। मैं कौन हूं इस विषय में क्या इतनी भी अक्ल आपको नहीं कि सबसे पहला प्रश्न जो यदि सुलझाना है तो अपना परिचय पाइए, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। यहीं से सारी खोज सारी तपस शुरू होती है। या घर में या वन में रहे पर कहा करे बिना सतगुरु। और देखने की बात तो ये है कि कोई कोई अपने घर में रह के साधना करते हैं, कोई कोई वन में जाते हैं, तो कोई हिमालय की चोटी में जा करके वहां तपस्वर साधना करके अपने विकारों को दूर करते हैं, इस मैं के विषय की खोज को करते हैं। किंतु इस विषय भी श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं पर कहा करे बिना सतगुरु। अरे हे साधक आत्माओं, जब तक कि वो सतगुरु नहीं मिल जाते तब तक क्या करोगे। सबके मार्ग का पथ दर्शन कराने वाले बिना सतगुरु और कोई है ही नहीं। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम इस संसार को पूरी तरह से जाने, इसलिए सतगुरु का ज्ञान ही मार्गदर्शक है। तोलो मकसूद क्यों कर होवे। आत्म शांति मकसूद तब तक कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है कि मेरी आत्मा में करार हो जाए। जोलो पाइए ना अखंड घर, कि जब तक अखंड घर की प्राप्ति अखंड घर की पहचान मुझको नहीं हो जाती, और इस अखंड घर को क्या हम अपने आप से पहचानेंगे। इसके लिए ही तो सतगुरु चाहिए, बिना सतगुरु जीवन से और इस जन्म मरण के चक्र से पार पाना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे मृगजल से अपनी तृष्णा को बुझाना होगा। इसीलिए बिना सतगुरु ये कार्य हो नहीं सकता। आत्म शांति प्राप्त करने के लिए सतगुरु का सानिध्य और सतगुरु का आशीर्वाद चाहिए, जो कड़ी से कड़ी मिलाकर हमें समझाए, सत का मार्गदर्शन हमको कराए। और अंतिम चौपाई में सतगुरु की पहचान कराते हैं, सतगुरु सोए जो वतन बतावे। हे साधकों, अब ये प्रश्न उठता है कि मुझे इस साधना के पथ पर सतगुरु चाहिए, तो सतगुरु कौन है, उनके क्या लक्षण है। इस विषय इस वाणी में कहा कि वही है सतगुरु जो उस मूल वतन की पहचान कराए, उस मूल वतन का मार्ग आपको दिखा दे। केवल नामधारी को सतगुरु नहीं मानना। मोह माया और आप न केवल मूल वतन की पहचान कराएं, उन सतगुरु को चाहिए कि शीर और नीर का निवेरा करे। इसलिए कहा मोह क्या है, माया क्या है, मैं कौन हूं, इस प्रकार की पहचान जो कराए इन्हीं को कहा है सतगुरु। इसीलिए जब हम सतगुरु की खोज में निकल पड़ते हैं, जो सार ग्राही है, जो सत चाहने वाले साधक आत्मा है, अगर वो चाहते हैं कि मुझे मेरे सतगुरु प्राप्त हो जाएं और मैं सतगुरु का मार्गदर्शन हासिल करूं, तो इंद्रावती सखी
महामति श्री प्राणा जी यहाँ पर सतगुरु का परिचय कराते हैं कि इस तारतम ज्ञान को प्रदान करने वाले निजानंद स्वामी श्री सतगुरु स्वरूप हैं, जो कि मोह माया इन दोनों का परिचय करा के स्व आत्मा निज आत्मा का परिचय कराते हुए अपने निज वतन श्री परम धाम का परिचय इस वाणी इस तारतम ज्ञान से करा रहे हैं। पार पुरुष जो पर खावे, और इतना ही नहीं, इस संसार के परे जो पर ब्रह्म अथवा जो पार पुरुष आए हुए हैं, जो उनको परखा दे, क्योंकि पुरुष पुरुष किसे कहा? क्या यहाँ के शरीरधारी पुरुषों को पुरुष की संज्ञा दी है? शास्त्र के अंदर तीन पुरुषों का उल्लेख है, जैसे गीता में भी कहा है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। तीन प्रकार के पुरुषों का उल्लेख किया गया, परंतु क्षर पुरुष तो नारायणी सृष्टि के अंदर ही है, वे पार ब्रह्म नहीं है। और जो अक्षर ब्रह्म है, वे अक्षर ब्रह्म कुटस्थ सृष्टि के रचयिता तो कहे गए, परंतु ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है। इसलिए जो पार ब्रह्म को, पूर्ण ब्रह्म को परखा दे, ऐसे पार ब्रह्म को परखाने वाले सतगुरु को पहचानिए, उनके शब्द राशि के द्वारा, उनके वचनों के माध्यम से इनको पहचानिए, और इनके वचन सार गर्भित वचन है, इन्हें ग्रहण कीजिए। महामत, तो यहाँ महामति श्री प्राणा जी अंतिम उपदेश के द्वारा कहते हैं, तासों कीजिए मिलाप, ऐसे सतगुरु से मिलाप कीजिए जो जो साधक आत्माएं इस संसार सागर से तरना चाहते हैं, जो इसी माया में रहना चाहते हैं, उनको मोह माया का विवेचन करा के क्या मिलेगा? पत्थर में जल डालने के समान ही हो जाएगा। किंतु जो इस संसार सागर की वास्तविकता को जान गए, इस छल की भोम को पहचान गए, और जिन्होंने मन बना लिया कि मुझे इस संसार से तरना है, तो वो सतगुरु की खोज अवश्य करें। करामाती के पीछे न जाएं, साधो केहर कही करामात। इस करामात को परित्याग करके सच्चा ज्ञान परोसने वाले सतगुरु के शरण में जाइए। यही सतगुरु सब कुछ पहचान कराएंगे, सत मार्ग के ऊपर कैसे चलना इसका परिचय कराएंगे, तब उनके शरणापन्न हो जाइए। इस सतगुरु के बिना कितने ही करामाती मिल जाएं, संसार भवसागर से कोई पार नहीं करा सकते हैं। इसीलिए हे साधक आत्माओं, मैं आपके हित के लिए कह रहा हूँ, महामति श्री प्राणा जी इस प्रकार की नसीहत देते हैं कि सतगुरु को पाइए, सतगुरु के शरणापन्न होइए, उनके द्वारा ये परब्रह्म पार पुरुष की पहचान करते हुए मोह माया आप ये सारी वस्तुओं को समझ करके उन सतगुरु के श्री चरणों में कुर्बान हो जाइए, तभी ही इस भवसागर से पार उतर पाओगे। अगर ऐसा नहीं करते तो इस माया के अंदर तो कितने भी डुबकियां मारोगे, अलाउड है, माया को कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत तो हमें होनी है जो इस विषय को समझ गए, जिनकी वो बातुनी दृष्टि खुल गई, वो ही इस बात को समझ पाएंगे कि श्री सतगुरु का क्या महत्व है। इसीलिए ऐसे धनी श्री सतगुरु स्वरूप, उनके इस तारतम ज्ञान के ऊपर हम करोड़ों बार अपने सिर को नमाते हुए प्रणाम करते हैं, शत शत नमन करते हैं, और श्री सतगुरु के इस दिव्य तारतम ज्ञान को हृदयांगम करते हैं, आत्मसात करते हैं। इन्हीं सद्विचारों को लेकर हे साथ जी, आज के दिन की इस चर्चा को यहाँ विराम देंगे। सतगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और आप, पार पुरुष जो पर खावे, महामत तासो कीजे मिलाप,
महामत तासों कीजिए मिला पार। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।